हम लोग यहाँ पे ना बिजनेस कर रहे हैं, समझा गया? हमारे होते हुए तुम लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पीछे किसका हाथ है मालूम है? गॉड का? अरे पप्पी भाई का। पप्पी पप्पी भाई। पप्पी भाई। पप्पी पप्पी। आज हमारे बिजनेस का पहला दिन है, सो फर्स्ट राइड तो आप ही लेंगे। जब भी पता चलेगा। इट्स टाइम टू टेक हिम फॉर अ राइड गोपाल। क्या करें? फेविकॉल का मजबूत जोड़। आसानी से नहीं। आई आई पप्पी भाई, आप भी हमारे पिलर हो, लॉस्ट एंड फाउंड मेमोरी के चिलर हो, आप भी हमारे जॉनी और आप भी हमारे लीवर हो। शट अप लक्ष्मण। अरे करेक्ट बोला मैंने। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ, एकदम बुक करके उड़ाने का। ब्यूटीफुल। पकड़ लो भी। या हेलो पप्पी भाई। मेरा हाथ चिपक गया रे माधो। यही होगा गोपाल, यही होगा हर बार। आग अगर लगाओगे तो हाथ तुम्हारा भी जलेगा। माँ, हम लोगों ने आग नहीं लगाई, हम लोगों ने तो वो ग्लू लगाया। ओ यार, ग्लू? व्हाट ग्लू गोपाल? पूरी की पूरी जेट स्की टूट गई और उसका हैंडल पता नहीं कहाँ है। अरे माँ, लेकिन कोई हमारी एरिया में आके हमारी गालों पे कस के तमाशा मारा इन लोगों ने। डर गए थे हम लोग कहीं उनका बिजनेस ना टेक ओवर कर ले। हाँ, इंसान को जब ऊंचाई पे पहुंच के ठंड लगती है ना, तो उससे कंबल छीने वाले बहुत होते हैं। पा शट अप। इतनी मेहनत से हम लोगों ने पप्पी भाई से। हाँ, मेहनत डेफिनेटली कोई पिल्ले पप्पी कुत्ते से झोल करके फाइनेंस लिया होगा। ये देखो उधार की जिंदगी। मतलब बोल। मतलब साफ है माँ, अगली बार अगर ये लोग उंगली करेंगे तो उनकी माँ की। अरे दैट्स इनफ डब्बू। क्या इनफ माँ? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे माधव। कुछ तो करना पड़ेगा।
अगर उसके गले में घंटा बांधना है तो तू तो हमी को लगाना पड़ेगा, हमी को लगाना पड़ेगा माधव, हमी को लगाना पड़ेगा। हमारा बस चलता, बस मैं चलाता हूँ और यहाँ भी मेरी ही चलेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। उन लोगों से बात मैं करूंगा, मैं। अरे निकलो बाहर, मेरे बच्चों का धंधा चौपट कर दिया, ईमानदारी से धंधा नहीं कर सकते, माँ बाप ने क्या सिखाया? अरे निकलो बाहर। Who the hell is shouting like a mad dog? अरे कैसे संस्कार मिला है तुम लोगों को, बाहर निकलो। क्या हुआ, क्यों चिल? देखो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अरे चोरी भीख डाका गबन कुछ भी कर लेते, लेकिन प्रेम ना। मफलिसी में पैदा होने वाला मच्छर बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। मखमल के आलीशान कालीन पर खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। अरे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, वो दोनों कहां हैं मुझे नहीं मालूम। बरखुदार गरीबी का अंधेरा जब छा जाता है ना, तो सच्चा प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। नहीं। आप मेरे प्यार की तोहिन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तोहिन कर रहे हैं, करते क्या तुम? आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। तो झूमो नाचो गाओ, लेकिन ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? पापा प्लीज। 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए तक? अरे इससे ज्यादा तो गीता के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। पापा लेकिन मैं पप्पू के साथ एक साड़ी में भी गुजारा करूंगी। तुम अपने कमरे में जाओ गीता। पापा प्लीज। हमने कहा ना तुम अपने कमरे में जाओ, ये हमारा हुक्म है, जाओ। मैं पप्पू के बिना नहीं जिंदा रह सकती। आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से, फटे फटे। बुड्ढी बेटी दरवाजा खोलो, बेटी सुनो, बुड्ढी बेटी ऐसा नहीं करते। देखो शंभू काका की बात मानो, दरवाजा खोलो बेटी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से करता हूँ। 5 लाख रुपया कैश मेरी बेटी गीता की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकल जाने की कीमत है ये, कीमत है ये, कीमत है ये। पैसों से प्यार को तोला नहीं जाता। एक तरफ दो दिलों का मेल, दूसरी तरफ हाथों का मेल। अच्छा तो फिर ये लो, जो 5 लाख में नहीं बिका वो 10 लाख में क्या बिकेगा। अबे पलट के देख, खाली है। हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, इसमें 5 लाख रुपए भर के लाओ तो हमारी बेटी गीता हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। I'll be back. अरे सोच लो प्रीतम, झोपड़ों में रहने वाले महलों का ख्वाब नहीं देखा करते, पत्थरों की बारिश में तुम शीशे का छाता बनाने जा रहे हो। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। आई कोई शक? गुड्डी तुम तो काफी बुढ़ी हो गई हो। ने, 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 अपनी शक्ल कभी देखी आईने में? लोग तो अब तुम्हें दादा कहते होंगे। You are wrong. वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। वैसे मैं यहाँ गोपाल और लक्ष्मण से कुछ क्या काम है उनसे? तुमसे नहीं, उनसे बात करनी है। हाँ तो मुझे बताओ, मैं उनकी माँ हूँ। तुम्हारे बच्चों की वजह से मेरे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारे बच्चे? हाँ,
अपने बच्चों को समझा कर रखो तो अच्छा होगा। मेरे बच्चे पहले से ही समझदार हैं, क्योंकि अपनी माँ पर गए हैं, तुम अपने बच्चों को समझाओ।